पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। राजगढ़ के करणवास थाना इलाके में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने इलाके से 30 लाख रुपए की अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की। बताया जा रहा है कि जिले की सीमा से गुजरने वाले आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर कनवास पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए ट्रक के पार्टीशन में गुप्त रूप से पार्टीशन बनाकर छुपाई गई, जिसमें 600 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। इस दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, उनके पास से दो तमंचे बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपी को जेल भेज दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय डीजी साहब के द्वारा कुछ गांव इसके लिए जाने जाते हैं कि बाहर से अवैध शराब लाके यहां पर बेची जाती है। इसमें हम लगातार कार्रवाई करते रहते हैं, जो फिर से सूचना प्राप्त होती है प्लस जो रेड्स होती हैं। इसी कड़ी में आज थाना प्रभारी करणवास और उनकी टीम ने एसडीओपी ब्यावरा इनके निर्देशन में एक बहुत अच्छा काम किया है। इनको सूचना लगी थी कि एक ट्रक UP 75 AT 99 ये यूपी पासिंग है, इटावा का है, ये ब्यावरा करणवास होते हुए ग्राम कड़िया जो हमारे बूढ़ा और पचौर थाना क्षेत्र में लगते हैं गाँव, वहाँ पर जा रहा है और इसमें हो सकता है कि अवैध शराब भरी हुई हो और ये वहाँ पर कंजम्पशन के लिए बेची जाएगी।